Hello guys, welcome to Nitya Classes. And today we will discuss about the continuity and we will continue the previous topic that we have taken already. We have taken already three parts of limit and continuity. So today we are going to discuss some questions on continuity. Let's watch कौन से questions हैं वो कि जो important हैं और जिनको हमें करना चाहिए. तो आज का जो topic है तो हम शुरू करते हैं क्या continuity के कुछ important questions जो आसानी से सॉल्व हो सकते हैं. बस आपको थोड़ी सी नॉलेज और थोड़ी सी कंसंट्रेशन की जरूरत है तो यू कैन इजीली गेट द आंसर ऑफ दोज क्वेश्चंस. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस, स्टार्ट करते हैं वीडियो. वेलकम टू नित्य क्लासेस, लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो. प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल and don't forget to press bell icon for the latest videos. तो दोस्तों पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का और जो क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन में है कि fx is equal to mod x upon x if x not equal to 0 and 1 if x is equal to 0. पहली बात तो आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए क्वेश्चन लिखा क्या है. और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे प्रीवियस पार्ट भी देख लीजिएगा, तभी आपको चीजें क्लियर हो पाएंगी और तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे फ्रेंड्स. तो प्रीवियस वीडियो के लिंक्स भी मैं नीचे दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में. तो इससे पहले पार्ट्स आपने अगर नहीं किए हैं तो आप उनको भी कर लीजिएगा. तो शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन, समझते हैं इस क्वेश्चन में बेसिकली है क्या. देखिए दो चीज यहां पर लिखी है, पहला mod x upon x if x is not equal to 0, यानी अगर x 0 के बराबर नहीं है तो वैल्यू ये होगी x में. If x is equal to 0, if x exactly is equal to 0, then value will be 1. इसका मतलब क्या है? It means f अगर function में 0 आप put कर रहे हैं, तो limit का value 1 आएगा. यानी आपने continuity prove करनी है question में कि इसमें question मतलब है कि find out the prove the continuity. यानी आपको a जहाँ भी constant value मिल जाए, इसका मतलब क्या है? आपको f a मिल गया. previous मैंने बताया था कि कंटिन्यूटी कब होती है, जब एफ जीरो इज इक्वल टू एफ जीरो माइनस जीरो इज इक्वल टू एफ जीरो प्लस जीरो हो जाए. तो एफ जीरो की वैल्यू मिल गई है, कितनी है? 1. तो पहले इस फंक्शन को लेते हैं, तो कांस्टेंट है, इसको लिया, क्वेश्चन में लिखा था कि मोड एक्स अपॉन एक्स, इसका मतलब क्या हुआ, मैं इसको लेता हूं तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो यहां दी गई है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, मोड एक्स अपॉन एक्स. तो सबसे पहले क्या करते हैं, एलएचएम फाइंड आउट करते हैं. इधर देखते हैं एलएचएम, तो एलएचएम में क्या होगा, एफ जीरो माइनस जीरो, यानी या ऐसे कर सकते हैं एफ जीरो माइनस एच. तो क्या हुआ, माइनस का एच, यानी जहां फंक्शन में एक्स है आप वहां पुट क्या करेंगे, जीरो माइनस का एच पुट करेंगे या माइनस एच पुट करेंगे, सिंपली आपकी मर्जी है. तो यहां पर क्या होगा, माइनस का एच मोड अपॉन माइनस का एच. यानी अब जानते हैं मोड के अंदर जो भी वैल्यू होती है वो हमेशा जब आउट होती है तो क्या होता है, प्लस की वैल्यू बन जाती है. तो इसका मतलब तो यही हो ना, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, तो बाहर निकालो क्या हो जाएगा, प्लस का एच अपॉन माइनस एच. इसको डिवाइड कर दो तो क्या आया, माइनस वन, यानी एलएचएल माइनस वन आया. तो डिस्कंटिन्यूअस तो यही फंक्शन हो जाता है, क्यों, क्योंकि यहां पर वन है और यहां पर माइनस वन है. फिर भी हम इसका क्वेश्चन आगे करेंगे, आप मत करिएगा आगे, अगर आपको लिख दिया कंटिन्यूटी प्रूफ करने के लिए कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है और आपको ये वाली वैल्यू इससे मैच ना करे तो यही कर देंगे कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस. आरएचएल की अगर बात करें तो आरएचएल में क्या होता है, आरएचएल में होता है एफ जीरो प्लस एच, यानी एफ एच. इसका मतलब क्या, पुट करें लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एच अपॉन एच, यानी प्लस का एच अपॉन एच, दैट इज वन. तो वैल्यू इज वन, तो इसका मतलब क्या हुआ, एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल. देखो यही पता, दूसरी बात यहां पता लग जाती है कि एल एच एल माइनस वन है और आर एच एल प्लस वन है, तो ये बराबर नहीं हुआ. सो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, ऐसे लिखते हैं किस पर, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पर, एक्स इज इक्वल टू जीरो पर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है एक्स इज इक्वल टू जीरो पे. एक क्वेश्चन और लेते हैं और उसमें कुछ और समझते हैं जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं. तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन लिखा है यहां पर, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर इफ एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, फाइव एक्स माइनस फोर इफ जीरो इज लेस देन एक्स एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू वन, फोर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स इफ एक्स वन इज लेस देन एक्स एंड लेस देन टू, 2x plus, sorry, 3x plus 4 if x
is greater than equal to 2. This is the continuity at 0, 1 and 2. तो फ्रेंड्स यहां पर जो क्वेश्चन लिखा है, इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिएगा कि यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट टास्क जो होता है ये सिंबल्स होते हैं जो इनइक्वालिटीज लगी हुई है, आप इनका जरूर ध्यान रखिएगा। मैं निशान इसलिए लगा रहा हूं यहां पर, आप इक्वल टू ना समझ बैठे उसको। तो ये जो यहां पर चीजें लिखी हैं आप इनको जरूर ध्यान रखिए, इनइक्वालिटीज जो लिखी है। तो याद रखना यहां पर आपको क्वेश्चन लिखा है डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0 1 एंड 2, यानी क्वेश्चन में तीन पार्ट आपसे पूछे गए हैं कि कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0, कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1 एंड कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2। ये तीन क्वेश्चन आपको करने होंगे, तीनों क्वेश्चंस के लिए आपको इस क्वेश्चन की हेल्प लेनी पड़ेगी। देखिए फॉर एग्जांपल आप 0 की बात करते हैं, तो जब 0 होगा आपको यह बताया था मैंने कि LHN हमेशा छोटा होता है और RHN हमेशा बड़ा होता है। तो LHN जब भी काउंट करेंगे आप 0 पर तो क्या होगा, 0 से छोटी वैल्यू, और RHN फाइंड आउट करेंगे तो हमेशा 0 से बड़ी वैल्यू की तरफ चलेंगे और बराबर वैल्यू की तरफ आप चलेंगे। तो यहां पर आप याद रखिएगा, अगर हम डिस्कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं तो याद रखिए कि आपको निकालना क्या है, आपको अगर 0 में फाइंड आउट करना है तो RHN के लिए आपको प्लस में चलना पड़ेगा आगे की तरफ, और LHN में आपको माइनस में चलना पड़ेगा यानी या बराबर का चलना पड़ेगा। अब क्वेश्चन थ्रू ऐसे ही, अगर वन की हम बात करें तो वन से आप क्या करेंगे, लेस देन देखेंगे वैल्यू, और वन से यहां पर बड़ी वैल्यू देखेंगे, जो भी बड़ी वैल्यू होगी वन से तो वन उसके बीच में, ऐसे टू में देखेंगे लेस देन और इक्वल टू कहां आएगा, बराबर पे। तो अभी क्वेश्चन को शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को। सपोज फर्स्ट पार्ट में लेता हूं एक्स इज इक्वल टू 0 पर, तो एक्स इज इक्वल टू 0 पर ना LHN की बात करो लेस देन कहां पर है, यहां पर, और देखिए लिमिट समय बराबर किसमें है, जीरो पर, तो लिमिट क्या होगी, सिंपल सी बात है, लिमिट क्या पुट करेंगे आप, जीरो। यानी ये जो पार्ट है LHN के लिए, अगर मैं LHN की बात करता हूं तो LHN क्या होता है, f जीरो माइनस h, यानी a माइनस h और a क्या है पर जीरो है, यानी माइनस h। समझा रही है बात आपको, तो LHN की फाइंड आउट करें तो LHN में आपको ये देखना है जीरो जो है x की वैल्यू वो जीरो से छोटी कहां पर है, देखो जीरो छोटी यहां पर है और बराबर भी है, तो छोटी भी है बराबर भी है, नहीं बराबर तो ले इज इक्वल टू जीरो हो गया जो आपको लिमिट लगाएंगे, और लेस देन है तो आप इसको क्वेश्चन को लेंगे लेंगे। तो क्वेश्चन क्या बना, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एक्स स्क्वायर, आपको इस क्वेश्चन में LHN निकालना है। मैं RHN की बात करूं तो लिमिट आप देखेंगे जीरो की वैल्यू बड़ी कहां पर है, यानी जीरो की वैल्यू एक्स की वैल्यू जीरो से कहां बड़ी है, यहां पर बड़ी है, यहां छोटी थी ना, जहां बड़ी होगी वहां पर क्या होगा RHN, तो छोटी पर LHN और बड़ी पर RHN। तो यहां देखिए x बड़ा है जीरो से तो RHN किस पर निकलेगा, इस पे, और इज इक्वल टू जीरो यहां पर है, सिंपल सिंपल निकाल रहे हैं, तो लिमिट x टेंस टू जीरो और यहां पर क्या बना 5x माइनस 4, यानी क्वेश्चन आपके सामने ये है, अगर आप जीरो पर फाइंड आउट करेंगे वैल्यू तो LHN इस पर निकलेगा, और बड़ी पर जीरो पर RHN निकालेंगे तो वैल्यू ये निकलेगा। तो दोस्तों ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अधिकांश जो स्टूडेंट होते हैं वो इसमें कंफ्यूज होते हैं कि कैसे निकल गया। तो मैं एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूं, अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर समझ दीजिएगा कि जब भी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आप वैल्यू निकालेंगे, जीरो को पूछना जीरो पे निकाला है तो जीरो से छोटी वैल्यू जहां पर एक्स की होगी वहां पर LHN, और जीरो से जहां बड़ी वैल्यू होगी एक्स की वहां पर RHN निकलेगा। तो जीरो की छोटी वैल्यू यहां पर थी तो ये वैल्यू ली थी, और बराबर में उसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है आपको। तो यहां पर क्या हुआ, अब इसमें वैल्यू पुट करें तो अगर LHN निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, लिमिट x टेंस टू 0 और यहां पर क्या हो गया, माइनस h पुट करना है आपको x स्क्वायर की जगह, तो माइनस h का होल स्क्वायर दैट इज माइनस h स्क्वायर पुट कर दे वैल्यू तो 0 आ गया इसका आंसर। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, यहां पर आते हैं इसमें RHN में निकालते हैं, तो RHN में क्या है देखेंगे, तो लिमिट x टेंस टू 0 और यहां से हो जाएगा f 0 प्लस h यानी h, तो क्या हुआ 5h माइनस 4, लिमिट पुट कर दे तो क्या हो जाएगा, इट विल बी 0 माइनस का 4 दैट इज माइनस 4, यानी हमने देखा 0 पर क्या आंसर आया, LHN हमारा क्या आ रहा है 0 और RHN क्या आ रहा है हमारा माइनस का 4। समझ में आ गई होगी बात, तो यहां पर क्या हुआ 0 पर क्या देखा हमने LHN नॉट इक्वल टू RHN, इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, क्लियर हुआ,
एक्स पे कंटिन्यूअस नहीं होगा। अब बात करते हैं वन की, इसलिए मैं दो तीन क्वेश्चन में लिए हैं जो आपको ये क्लियर हो जाएंगे सारी की सारी आज, और आप होप सो इस तरह के क्वेश्चन कर पाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम माइंड में आ रही है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं या उस क्वेश्चन का लिंक भेज सकते हैं, जिससे कि हम उसको सॉल्व करके आपको बता दें कि यस इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो एक्स इज इक्वल टू वन पे करते हैं, तो मैंने क्या बताया फ्रेंड्स आपको, दो चीजें डालनी है आपको, एलएचएल और आरएचएल। कंटिन्यूस प्रूफ करना है, आपको पता लग गया कि फंक्शन का मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू वन आपको पुट करना है, यानी x लिमिट x इज इक्वल टू वन पुट करना है, और आंसर जो आएगा उसको निकालना और चेक करना है कि फंक्शन, पहले तो LHL देखना है कि LHL बराबर है RHL नहीं है, और फिर उसको आंसर देखना। इसका तो क्या है क्वेश्चन के अंदर वन की, वन की बात करते हैं तो वन पुट करने पर क्या आ रहा है, एफ वन इज इक्वल टू वन ही आंसर आ रहा है। देखिए क्योंकि वन के बराबर तो नहीं है, बराबर भी है ना, यहाँ जीरो के बराबर तो वन के बराबर है, तो अगर वन पुट करेंगे तो आंसर बराबर किसके आ जाएगा, वन के, तो ये तो सिंपल हो गया। अब आगे की बात करते हैं, एलएचएल में क्या देखना है कि वन से छोटी वैल्यू एक्स की कहां पर है, तो वन से छोटी वैल्यू कहां पर है, यहां पर है, तो इस पर निकलेगा एलएचएल। एलएचएल में आपको पता है एफ क्या हो जाएगा, वन माइनस का एच। आरएचएल की बात करें तो एफ वन प्लस एच, सिंपल सी टर्म है, ये बात क्लियर हो रही है। अब इस क्वेश्चन में कौन सी वैल्यू पुट करनी है, जहां पर x की वैल्यू लेस देन होगी किससे, वन से, तो x की लेस देन वन यहां पर है, तो LHL किस पर निकलेगा, लिमिट x टेंस टू वन कितने में है, 5x माइनस फोर पर, LHL निकलना है। RHL किस पर निकलेगा, जहां पर x की वैल्यू वन से बड़ी है, वन से बड़ी क्या है, यहां पर है, तो क्या निकलेगा इस पर, सिंपल सी बात है RHL, तो RHL में क्या होगा, लिमिट x टेंस टू वन एंड 4x स्क्वायर माइनस 3x। तो दो चीज समझ में आ रही है आपको, कैसे कैसे लिखा है मैंने। अब मोटी सी बात है, क्वेश्चन में करना ही क्या है, छोटी सिंपल सी टर्म है, आपको सॉल्यूशन करना है क्वेश्चन का, और क्वेश्चन में सिंपल टर्म दी हुई है, तो आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें और हम क्वेश्चन को आराम से सॉल्व भी कर लेंगे। तो शुरू करें क्वेश्चन, तो यहां पर देखते हैं एलएचएल पुट करते हैं, इसमें लिमिट x टेंस टू जीरो यहां पर पुट कर दें, वन माइनस का एच, तो फाइव इंटू वन माइनस एच माइनस फोर, इट विल बी फाइव माइनस का फाइव एच माइनस फोर, देन इट विल वन, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो वन माइनस फाइव एच, पुट करें इसमें जीरो तो क्या आ जाएगा, वन। तो देखा जाए तो LHL आपने निकाला तो कितना यहां पर आ रहा है, वन, आपने आंसर आसानी से निकाल लिया है कि एच कितना है, वन यहां पर आपका आ गया है। अब बात करते हैं आरएचएल की, आरएचएल में देखते हैं तो क्या यहां पर लिखा हुआ है, एक्स फोर एक्स स्क्वायर इंटू दिस पुट कर दें, लिमिट वन प्लस एच, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, देन इट विल बी फोर इंटू वन प्लस एच होल स्क्वायर माइनस थ्री इंटू वन प्लस एच, इट विल बी इसका खोल दें इसका, 4 इंटू वन प्लस एच स्क्वायर प्लस टू एच माइनस थ्री माइनस का 3h, यहां पर देखें तो 4 प्लस फोर एच स्क्वायर प्लस एट एच माइनस थ्री माइनस थ्री एच, तो 4 माइनस थ्री वन, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3h और 8 5h प्लस का, और यहां पर क्या हो, प्लस का 4h, उसका लिमिट पुट कर दे जीरो, तो वन प्लस जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू वन। यानी देखा जाए तो f1 इज इक्वल टू वन है, लिमिट एस टेंस टू जीरो भी वन है, LHL भी वन है, RHL भी वन है, ये तीनों वैल्यू वन के बराबर हैं। जब तीनों वैल्यू वन के बराबर हैं, इसका मतलब क्या हुआ, LHL बराबर FA इज इक्वल टू RHL, तो क्या होगा यहां पर, हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू वन। तो ये आपको समझ में आ गए हो कैसे किया है, आगे की हम बात करते हैं क्वेश्चन में, और थर्ड पार्ट जो है आप खुद निकाल के मुझे बताएंगे टू पर क्या होगा, कि टू पर वैल्यू कितनी है, टू इज इक्वल टू क्या निकल के आ रहा है, और इसका और क्वेश्चंस आप लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और अगर ये वीडियो पसंद किया है आपने और चीजें समझ में आई हैं, तो प्लीज लाइक जरूर कर देना है फ्रेंड्स, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि बहुत से लोगों को जरूरत है इन क्वेश्चंस की, और बहुत कम चैनल्स हैं जो मैथमेटिक्स की वीडियो एडिट करने के लिए दे रहे हैं। तो दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट, और नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको लेके आऊंगा जो टेस्ट हैं और एल्गोरिथम्स हैं और जो प्रूफ्स हैं,
बेसिकली डायरेक्ट उनको कैसे करते हैं, रोले थ्योरम्स वगैरह जितनी भी थ्योरम्स हैं, जितने टेस्ट हैं, अब वो हम कंटिन्यू करते रहेंगे। तो देखते रहिए हमारा चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट।